हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आज है मंडे, तो आज मुझे उठने में काफ़ी लेट हो गया है। अभी थोड़ा देर पहले मैं सो के उठी हूँ, और सो के उठ के मैंने ब्रश व्रश कर लिया, नहाया नहीं है, पूजा भी नहीं किया हुआ है। और साथ में मैंने किचन में जो है गैस में आलू चढ़ा दिया हुआ है सब्जी बनाने के लिए, और क्योंकि आज जो है अंशिका का स्कूल भी जाना है हमको, हम दोनों जा रहे हैं, लगभग 8-9 बजे तक स्कूल पहुंचना है, 8-9 9:30 बजे तक लेटेस्ट। तो आज जो है अंशिका का रिज़ल्ट निकलने वाला है, फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, तो उसी के लिए वहाँ स्कूल जाना है हम लोग को। और आज जो है यहाँ का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, आज का यहाँ का मौसम ऐसा लग रहा है कि फिर से ठंडा पड़ गया है, बहुत कुहासा जैसा लगा हुआ है यहाँ, आप लोग देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बाद ऐसा मौसम देखने को मिला, और यहाँ पर मेरा प्लांट है सूख गया है, मतलब गर्मी ज़्यादा यहाँ पे ऊपर में रहता है, तो इसके कारण यहाँ पर सूख गया है। और सबसे अच्छा तो यहाँ पर ये मेरा मनी प्लांट हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं अब पहले सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद नहा के पूजा करके जल्दी से स्कूल निकलना है, और राजीव को भी उठाना है, वो सोए हुए हैं काफ़ी लेट से। जब मेरा एक बार नींद टूटा था रात, तो मतलब रात में सुबह का ही 3 या 4 बजे, तो तभी भी वो काम करते थे कंप्यूटर में बैठ के, पता नहीं क्या करते थे, लेकिन कल रात से ही लगे हुए थे। तो अभी थोड़ा देर पहले वो सोए हैं, लेकिन उनको भी फिर से जगाना होगा स्कूल के लिए, स्कूल जाना है। तो फटाफट मैं पहले सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग जो है तैयार हो गए हैं, और अभी हम लोग निकल रहे हैं स्कूल के लिए। अभी बज रहा है 9, तो हम लोग पहले निकलते हैं। तो अच्छा लग रहा है बेटा? तो फ्रेंड्स, हम लोग वापस आ चुके हैं घर, और थोड़ा देर पहले हम लोग घर पहुँचे। बाबू वैसे मत करो भैया हैं। तो हम लोग अंशिका का रिज़ल्ट लेके आ गए हैं, एंड नहीं मतलब रिज़ल्ट तो आ गया है, लेकिन संतुष्टि नहीं हुआ, क्योंकि अंशिका जो है, जो उसका फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम हुआ था, फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम हुआ था, तभी वो एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी। एक्चुअली उस टाइम पे हुआ क्या था कि लॉकडाउन था, और लॉकडाउन में मतलब स्कूल इसका मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रहा था, मतलब फिक्स नहीं था तभी, जब इसका एग्ज़ाम हो रहा था तभी पता नहीं था हम लोग को भी कि क्लास चल रहा है, क्योंकि स्कूल से भी बोला गया था कि आप लोगों को जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, मतलब स्कूल का जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसके थ्रू आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर जो है वहाँ पे ड्रॉप किया हुआ था स्कूल में, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, मतलब हम लोग को कोई तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं आया स्कूल से भी, और हम लोग का भी गलती हुआ, तभी हम लोग को स्कूल जाके। हाँ बेटा, हाँ भैया है, छोटी मम्मी मर के मम्मी ये दूध गिराते रहता है, बदमाश है। और हाँ, वही हम लोग का भी गलती हुआ कि हम लोग नहीं गए स्कूल पता करने के लिए कि क्या कैसे एग्ज़ाम का क्या शेड्यूल है। तो वही हुआ, उसका एक एग्ज़ाम छूट गया था, तो बस वो 3 ही एग्ज़ाम, टोटल उसका 4 एग्ज़ाम होता, तो बस वो 3 ही एग्ज़ाम दी थी। तो जो भी एग्ज़ाम दी है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा उसका मार्क्स आया है, जैसे कि 25 का शायद
एग्ज़ाम था तो 25/25 मतलब टोटल फाइनल एग्ज़ाम था उसका 75 का, 75/75 आया। फिर उसके बाद मतलब जो भी बाकी रेस्ट जो एग्ज़ाम दिए सेकेंड थर्ड और फाइनल एग्ज़ाम जो दिए थे वो सारा उसका बहुत अच्छा था रिजल्ट, लेकिन बस एक एग्ज़ाम जो उसका छूट गया उसके कारण मतलब थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है। ये हम लोग का भी गलती हुआ, मतलब हम लोग को भी ध्यान देना था स्कूल में। हम लोग तो यही सोचे कि मतलब लॉकडाउन चल रहा है तो अभी क्लास नहीं होगा और स्कूल की तरफ से भी कोई तरह का नोटिस नहीं आया था, तो चूँकि कभी कभी हो जाता है बच्चे मतलब उसका पढ़ाई से भी बहुत अच्छा है तो यही है। और रिजल्ट लिख के आ गए हैं और बाकी बचा है मेरा सब्जी बनाना, मैंने सब्जी नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पे लोलो और है कन्हैया खेल रहा है दोनों, उसकी कन्हैया की मम्मा जो है ऑफिस गई हुई है तो अभी घर में मम्मी भी नहीं है तो अभी यहीं पे है, तो अभी मैं जाऊँगी पहले सब्जी बना लेती हूँ उसके बाद बाकी का काम करते हैं। थोड़ा अंशिका का रिजल्ट को लेके आते हैं, ठीक अच्छा, बाकी का सब ठीक है।